चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 26। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे कि ये फिगर में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है। तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। देखो ध्यान से, ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है जो एंगल बी पे राइट एंगल है ना, एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है, याद रहे दिमाग में। फिर आगे बोल रहा है कि इफ़ बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो ये देखो बी है, सी है, डी है, ई है, अगर ये स्क्वायर होगा तो ये सारे साइड के लेंथ बराबर होंगे और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। अपने दिमाग में ये बात बिठा लेंगे। आगे हमको बोला है कि एंड सॉरी स्क्वायर ऑन साइड बी सी, सही बात है, साइड बी सी के ऊपर स्क्वायर है। फिर आगे बोल रहा है एंड ए सी एफ जी इज अ स्क्वायर ऑन ए सी, ए सी आप देख रहे हैं तो ए सी के ऊपर ए सी एफ जी, ए सी एफ जी, ए सी एफ जी ये सारे स्क्वायर हैं। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसमें भी ए सी की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई बराबर होगी। तो सबसे पहले तो एक काम कर लिया करो आप कि इसे एक्स अगर बोल रहे हो तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि अगर इसको हम वाई मानते हैं तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, क्योंकि ये एक्स नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनस है ना, तो इसकी लंबाई कुछ अलग होगी, एक्स से अलग होगी क्योंकि वो हाइपोटेनस है और सबसे बड़ी लंबाई है। तो ये समझ गए हम वाई वाई मान के क्या कर लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी कर लिए। और हमको क्या करना है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आप क्या कर लो कि प्रूफ कर लो ए डी की लंबाई एफ बी के बराबर। तो ए डी को देखते हैं जरा कहाँ है, तो ये ए है और ये डी है, तो ए और डी को ज्वाइन कर दीजिए आप, ये ए डी की लंबाई हो गई। और फिर एफ बी की लंबाई, तो आपका ये एफ है और ये बी है, ये लंबाई हमें बराबर प्रूफ करना है, समझ रहे हैं बात को आप। अब देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको क्या क्या बराबर करना है, जैसे हमको देखो ध्यान से देखना, ध्यान से ए डी की लंबाई हमको पूरी तरह से एफ बी के बराबर करना है, क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलिए। अब तुम अपने अपने ना मन की आंखों से ये देखने की कोशिश करो कि ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है उसके लिए कौन कौन सा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, मतलब ये देखने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जो देखने में लगेगा उसी में कॉन्ग्रुएंसी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ध्यान से देखो तो ये ए डी और ई को जरा गौर से देखो, और नहीं तो उसको मत देखो, ऐसे देखो ए डी सी को देखो, ए डी सी देख रहे हो, देखना हम अलग से बना रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ये तुम्हारा मान लो ए डी है, ये तिरछा गया ऐसे, और ये सीधा आपका ये सी पॉइंट है, और यहाँ से आपका ए गया है। अलग अलग फिगर बना लेने से क्या होता है ना कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हमने ए डी सी ए बना लिया, अब ये तो पक्का है कि ये एक्स है, पक्का है ना। और ये जो, चलो इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब उसके बाद अगला जो फिगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट जैसा लग रहा है उधर वाला, अगर निश्चित रूप से ए डी की लंबाई अगर एफ सी के बराबर, बी एफ के बराबर है, तो निश्चित रूप से ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ बी तो होना ही चाहिए, बोलो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो होगा ना। अब यहां से हम क्या करते हैं कि बी सी बना लेते हैं, ये हमारा बी सी हो गया। अब एक बात बताओ, बी सी की लंबाई तो एक्स ही है ना, देखो बी सी की लंबाई और सी डी की लंबाई तो एक्स ही है ना, और यहां देखो यहां तिरछा गया है ऐसे, ये तिरछा ऐसे गया है और यहां से तुम्हारा ऐसे गया है, समझ रहे बात को। तो ये जो तुम्हारा है ना पॉइंट, ये पॉइंट वो एफ है। तो एक तो साइड तुम्हें एक्स एक्स सीधे बराबर दिख रहा है, इसमें तो कोई संकोच नहीं है ना, इसे हमें बराबर ही करना है, इसे हमें बराबर ही करना है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि एफ सी की लंबाई ए सी के बराबर है क्या, क्योंकि वही वाला बराबर हो सकता है, अगर होगा भी तो कर सकते हैं क्या, ये हम देखेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो हम जरा कंसंट्रेट करते हैं एफसी वाली लंबाई पे और एसी वाली लंबाई पे, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, एक्स एक्स हमें बराबर दिख ही रहा है, इसमें तो संकोच है नहीं। तो एफसी और एसी को हम बराबर कर पाएंगे क्या? फिगर में जाके देखते हैं, एफसी की लंबाई किधर है भाई जान? एफ यहाँ है और भाई जान सी यहाँ है, हो गया। एसी की लंबाई और एफसी की लंबाई दोनों वाई है। अरे भाई स्क्वायर है था ना, स्क्वायर था ना एसी एफ जी। अरे बोलो, तो दोनों वाई की लंबाई है, दोनों साइड बराबर हम कर लिए कि नहीं कर लिए, बोलो। अब दोनों साइड बराबर कर लिए तो दोनों के बीच का एंगल देख लेते हैं भाई, क्योंकि दोनों का अगर बीच का एंगल बराबर हो जाएगा तो साइड एंगल साइड लग जाएगा ना। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको फिगर में जाके समझ में नहीं आ रहा है, आप फिगर को अलग बना लो, कॉरस्पॉन्डिंग देख लो। कॉरस्पॉन्डिंग में आप जानते हो कि ये लंबाई अगर ये लंबाई के बराबर है तो ये तो हमको प्रूफ ही करना है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये वाली लंबाई इसके बराबर दिख ही रही थी तो बच गई ये और ये, उसको हम देखे फिगर में जाके, तो वो हमारा स्क्वायर था ए सी एफ जी, तो स्क्वायर के साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एफ सी बराबर ए सी बराबर वाई, क्योंकि ए सी एफ जी इज अ स्क्वायर। क्या गौरव समझ में आ रहा है बात? चलिए यहाँ पर हम ये कर लिए। अब हमको किसी ना किसी तरह से ये एंगल को इस एंगल के बराबर करना है, तो जरा पढ़ के देखते हैं। ये हमारा है एफ सी बी सी डी, सॉरी बी सी एफ है, ये जो है बी सी एफ है, उधर कौन है? डी कौन है जी? डी डी सी ए है। अब फिगर में जाके देखते हैं बी सी एफ को, बी सी एफ कौन है? बी यहाँ है, सी यहाँ है और F था ना, बी सी एफ था, तो ये हो गया बी सी एफ, ये पूरा एंगल, समझ रहे हो बात? अब देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे देखो, उधर हट जाओ यार, फिगर में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लें अल्फा। ये वाला छोटा वाला को याद रखना, हम छोटा वाला को माने हैं, ये छोटा वाले को। तो जरा बताओ हमें, बहुत बहुत मजा आने वाला है। देखो ये जो आप एंगल देख रहे हो ना बी सी एफ, बी सी एफ, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये 90 डिग्री और प्लस अल्फा के बराबर है, ये 90 डिग्री प्लस अल्फा के बराबर है। क्या हम सही बोल रहे हैं? अब आ जाते हैं डी सी ए पे, डी सी ए में आ जाते हैं, क्योंकि डी सी ए हम यहाँ पे पकड़ चुके हैं, तो डी सी ए बार बार पढ़ते हैं, डी सी ए डी सी ए। जरा बताओ नीचे वाला 90 डिग्री और फिर से अल्फा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्या? हो तो गया कि दोनों साइड के बीच का एंगल को ही बराबर कर दिए, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो हो गया प्रूफ। अब लिखना बस बाकी है, लिख देंगे क्या कि ये दोनों फिगर को हम अलग अलग बना लिए, और ये जो हम लिखेंगे सबसे पहले BC की लंबाई, ये BC की लंबाई उधर किसके बराबर? DC या CD कुछ भी कह लो, DC के बराबर, और दोनों का लेंथ है X, है ना, क्योंकि हमारा BCDE क्या था? BCDE इज अ स्क्वायर। और अभी अभी हम लोगों ने ये लंबाई को YY प्रूफ किया है, और अभी अभी हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। सी फिगर यहाँ पे लिख देंगे, सी फिगर, आप फिगर को देख लो हम अल्फा क्या माने हैं। इतना लिख के हम तुरंत लिखेंगे भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा ट्रेंगल के कंग्रेंट, तो यही ना बनाए हो फिगर, तो लिख लो। तो अगर मान लो हम लिख दिए BCF लिख दिए, तो BC जो साइड है हमारा X वाला के बराबर है, तो DCA लिखेंगे ना, और DCA लिख के हम कंफर्म नहीं हो जाएंगे, एक बार चेक कर लेंगे जरूर, क्या हमारी CF की लंबाई CA के बराबर है? CF की लंबाई
सी ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर है ना। और वो तो ये हो गया, ये कंग्रुएंसी का ऑर्डर जो है हम लिखे सही हैं। अब ऑर्डर लिखे हैं सही है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, बी एफ की लंबाई किसके बराबर, पहला तीसरा किसके बराबर, डी ए के बराबर। और जैसे ही ये बराबर हुआ, किससे बराबर हुआ, बाई सी पी सी टी, और यही हमें प्रूफ करना था ना, हमें यही तो प्रूफ करना था, ए डी बराबर एफ बी। तो ए डी बराबर एफ बी नहीं आ रहा है क्या, समझ रहे बात को, वही चीज़ है, वही चीज़ है ना। आप एफ बी बोलो चाहे बी एफ बोलो, बात एक ही है, आप ए डी बोलो चाहे डी ए बोलो, एक ही बात है, समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखे, कॉन्सेप्ट ये सीखे कि एक फिगर में अगर देखना होगा बार बार तो हमको कन्फ्यूज़न होगा, ये जो जो फिगर में हमको जो जो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट लग रहा है उसको हम अलग बना लेंगे, उसी की तरह जैसा वो दिख रहा है उसी तरह बनाएंगे, और उसके बाद फिर कंपेरेबल कंपेरेबल वाला देख लेंगे कि कौन कौन बराबर है, अपने आप रिजल्ट तुम्हें दिखाई देने लगेगा। प्रिंट कर लीजिए।